नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस YouTube प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार स्पोर्ट्स में प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद में उसके एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करते हैं। उसी तर्ज पे आज एक बार फिर से हम मौजूद हैं हरियाणा में रोहतक जिले में एक स्कूल में जिसका नाम है दीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और अभी हम मौजूद हैं डायरेक्टर सर के साथ में। और आज यहाँ पर हमने प्रोग्राम किया, सबसे ज़बरदस्त बात, हमने हरियाणा में भारत में बहुत जगह सेमिनार्स किए लेकिन सबसे यूनिक बात जो आज इस स्कूल में हमारे को देखने को मिली वो ये कि बच्चों में ज़बरदस्त डिसिप्लिन और पिन ड्रॉप साइलेंस। अदरवाइज़ आप सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, ये स्कूल का वीडियो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, तब आप देख पाएंगे कि हमारे को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी इस बात के लिए कि बच्चों तुम चुप रहो। इतने क्यूरियस थे बच्चे चीज़ों को जानने और सुनने के लिए, और उसी तर्ज पे आज हम आपसे मुखातिब हुए और सारी चीज़ आपसे शेयर करने के लिए मौजूद है। और हमारे साथ में मौजूद है डायरेक्टर सर, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या अनुभव रहा इस प्रोग्राम को लाने के, इस प्रोग्राम को कराने के पीछे उनका क्या ऑब्जेक्ट रहा, क्यों क्या रीज़न रहा कि उसके चलते ये प्रोग्राम लोगों यहाँ पर कर पाए। तो चलिए सर से मुलाकात करते हैं, सर से बात करते हैं और फिर हम बाकी लोगों से भी टीम के सदस्यों से आपको मुखातिब कराएंगे। प्लीज़। थैंक यू सर, सबका जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, पूरी टीम का जो है ना मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक्स फॉर टू ऑल सर। सबसे पहले जो है ना ये कहना चाहूँगा सर कि हमारे अपने स्कूल में आप लोगों का जो है ना यहाँ आना हमारे लिए सौभाग्य है। अपनी पूरी टीम की जो है हमें जो बातें सुनी और जो आपके मोटिवेशनल, जो आपके मोटो, जो आपके एम हैं कि बच्चे को जो है ना सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का जो है ना माइंड पावर बढ़ाना, बच्चे की जो है कॉन्शियसनेस, इन चीज़ों का जो है ना बड़ा महत्व होता है। आज के युग में बहुत कंपटीशन का युग है सर ये, और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है ना आगे बढ़े, इसके लिए आपका ये प्रोग्राम जो है ना बहुत ज़रूरी है। और मैं सब टीम का जो है ना एक बार फिर से थैंक्स। थैंक यू सर। आप दीप स्कूल के डायरेक्टर सर हैं और इनके सहयोग से ही हम ये प्रोग्राम यहाँ पर जो है कर पाए, और सर का हमारे को फुल सपोर्ट रहा इसके अंदर, पूरे स्कूल मैनेजमेंट का सपोर्ट रहा। और अब मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ स्कूल के जो है अंदर सेमिनार लेने वाले एक और शख्स के, जिनका नाम है विनीत शर्मा, जो टीम 360 के डायरेक्टर भी हैं, और आज उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी किया था जो बच्चों को बहुत पसंद आया। तो चलिए उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। थैंक यू विपुल सर, और हमारे साथ में सर मौजूद है डायरेक्टर सर, इनके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटफुल हैं कि हमें स्कूल में मौका दिया इस प्रोग्राम को करने के लिए। और मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कहूँगा, देखिए हम लोगों ने प्रोग्राम किया, स्कूल मैनेजमेंट ने एक इनिशिएट किया, पहला स्टेप इन्होंने उठाया जिसमें हमें यहाँ पर प्रोग्राम जो है करने का मौका मिला। सेकेंड स्टेप हमने बच्चों के साथ में प्रोग्राम शेयर कर दिया, ये सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। अभी थर्ड स्टेप पेरेंट्स का, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और दीप पब्लिक स्कूल में आपके स्टूडेंट पढ़ते हैं, चूँकि वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को इस कंसेप्ट से जो है बेनिफिट उठाने के लिए उसको इस क्लास में एनरोल कराएं, जो कि क्लास दीप पब्लिक स्कूल के अंदर या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ही होने वाली है। जो क्लासेस किस तरह से होगी, क्या होगी, उसका शेड्यूल आपको हमारे जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर है इस पर आप जान सकते हैं। लेकिन इस वर्कशॉप का अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि दोबारा कब आए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ अपने पास आई है तो इसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। और आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए स्कूल में, नए डायरेक्टर सर के एक्सपीरियंस के साथ में, तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर, और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दीप स्कूल के डायरेक्टर सर का, यहाँ के मैनेजमेंट का, बच्चों का, कि हमारे को मौका दिया आपसे मुखातिब होने का, क्योंकि दोनों की ज़रूरत रहती है, केवल हमारे बताने से कुछ नहीं होता है, लाभ उठाने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ के बच्चे इतने क्यूरियस है, इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम को लेकर, डायरेक्टर सर का इतना इसमें सहयोग है, अदरवाइज़ क्या है, केवल एक व्यक्ति के इनिशिएटिव से नहीं होता है, सबका सहयोग चाहिए, और यहाँ पर सभी का सहयोग हमारे को मिला उसके लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।